सरपंच पति पंच पटवारी ने सफेरा मोहल्ला निवासियों के मकानों व देवस्थल को ढहा दिया गया। मोहल्ला निवासियों ने कहा, बिना सूचना दिए और हम लोग जाएं तो जाएं कहां। शासन से की मांग। पाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी बाजार के तहसील भाटा में सफेरा मोहल्ला निवासियों के मकान व देवस्थल को बिना सूचना दिए ग्राम पंचायत के सरपंच पति युवराज सिंह, पंच श्रवण रात्रे तथा हल्का पटवारी श्री कवर के द्वारा 5 लोगों का बेजा कब्जा को निजी ट्रैक्टर से जबरदस्ती तोड़वा दिया गया है। मोहल्ले वालों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। सफेरा मोहल्ला में निवासरत धर्म सिंह सवरा ने बताया कि लगभग 15 सालों से तहसील के पीछे मकान व देवस्थल बनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। हमारी जीवन यापन के लिए घर घर जाकर सांप का कला दिखाकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। उनका कहना है कि शासन तरफ से जिले में 144 धारा लागू है और कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा नहीं सकता और हमारे पास रोजी रोटी के लिए लाले पड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य, सरपंच और समाज सेवी लोग सूखा राशन पहुंचाए थे, जिससे हमारे कुछ दिनों का खाने का बंदोबस्त हुआ था। जाके भीख मांग सन 10-20 रुपया कमा के ये गरुआ गाय तेल के खा देते, दार चाउर ला बासी मन ला वैसने कह के छोटे बाउंड्री घेरे रहे। तब 12 बजे आई सरपंच और वो 4-5 जन मिल के और कोनो कुछ नहीं कही। सरपंच आ रही थी, उकर पति आ रही थी, पति आ रही थी युवराज सिंह कंवर। अच्छा हाँ। तो वो हर सब तो काम मचल दे रही पेट के अमा, और हम सियान मर रहे हैं तो वो लोग नहीं पूछी और धड़ धड़ फोड़ दे। अब लोग लेकर लेके इतके बड़ बड़ लोग कहाँ जाई महामारी। हाँ, हाँ, छोटे छोटे लेके आ रही कहा जाए, प्लस खाना पीना भी बना थे। हाँ हाँ हाँ। तो उकरे बार हम कहते हैं कि अगर कुछ हमार कुछ सुने शासन है। हाँ, वैसे कह के हम फिर याद करे थे इनका। जी यहाँ लोग समरा लोग कम से कम आज से 15 साल पहले निवास करते हैं। हाँ। और उन लोग अपने तंबू लगा करके निवास करते हैं, गरीब लोग हैं। जी। और अपने धर्म की आस्था के लिए बाबा गुहादेव जी के भी यहाँ जो उसका स्टेचू लगाए हुए हैं। जी। और उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। आज हरदी बाजार के सरपंच के पति युवराज सिंह कंवर और कुछ जन पंच हैं जी, और मिल करके आ करके इस मोहल्ले के दशत हरदी के साथ इस मोहल्ले में तोड़ फोड़ किए हैं, जो सब अपने अपने घरों में नहीं थे। बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए थानाशाही रूप से इस तरह के आकर के तोड़ दिए हैं। शासन प्रशासन से किसी तरह कोई अनुमति नहीं लिया गया है, जबकि किसी के मकान को तोड़ने के लिए 7 दिन या 1 सप्ताह पूर्व सूचना देना होता है। तो नियमों का खुला उल्लंघन करके इस तरह से जबरदस्ती तानाशाही राज करके इस तरह के लोगों को भयभीत किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना मणिराम, MLSBSR भारती। मैं समाज से हूँ और आज युवराज सिंह भूतपूर्व सरपंच गरीबों का झोपड़ी तोड़ा गया है। ये अनर्थ है, बहुत दुखदायी है। और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ फोटो लगा है और उनको भी ध्वस्त किया है और इनका गरीबों का झोपड़ी तोड़ा गया है। यह निगल है, 20 एकड़, किसी का 4 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़ भी यहाँ पर किया है, उनको नहीं तोड़ा गया है, छीन छीन करके घर मन का तोड़ा है। ये अनिगल है और इनको देशद्रोही का सजा दिया जाए ऐसे लोगों का जो किया है। आज का घटना घटा है, बहुत बड़ा दुखित बात है। ये गरीब लोग हैं, हम इसको इनका साम धर के भी जीवन अर्पण करते थे लोग, उनको भी सरकार खत्म कर दिया है। तो हम लोग इसी सेल में भी बोले हैं कि तो इनको पानी दे रहा है, 11 आदमी को नौकरी के लिए दिए हैं ठेकेदार में, इनको मुख्य धारा में जोड़ने का, बाल बच्चे पढ़ाने लिखाने का, हम लोग सब मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारा जो जनपद है अनिल टंडन, नरेश टंडन, हम लोग सब मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों का। और इसको जो है ये लोग जो है जानबूझ करके दादागिरी करके इनका सबका मथुरा जो है अभी 15-20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको घर तोड़ दिया है। जानवी तो बड़ा मुसीबत है ना, दादागिरी है इस लॉकडाउन पे। हाँ, इस लॉकडाउन में सही है, सही है। इनको